दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हाउसहोल्ड आइटम्स का प्लेसेट, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चारों के चारों आइटम हैं वो करते हैं बैटरी से काम। तो जल्दी से करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे टॉयज एंड गेम्स की अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों फ्रंट से जो है ना बॉक्स दिखता है कुछ तरह से, और जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसके अंदर चार आइटम है, वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, स्विंग मशीन है, और यहाँ पे हमें एक मिलता है वैक्यूम क्लीनर भी। पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे यार एक बहुत सारे डायग्राम दिए गए हैं, मीन्स कि यहाँ पे अलग अलग सेट जो है ये कंपनी बनाती है, और मेरे पास जो फिलहाल है ये चार आइटम्स का सेट है। तो जल्दी से ओपन करते हैं इस बॉक्स को यहाँ से। तो दोस्तों अंदर की तरफ से बॉक्स ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे लगता है। एक एक करके हम आइटम्स को निकाल लेते हैं बाहर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वॉशिंग मशीन की, तो इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी यार चमकदार और काफ़ी शाइनी, काफ़ी इसे अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है। ऊपर की तरफ देखते हैं एक ट्रांसपेरेंट लिड दी गई है, इसको टॉप लोड की तरह बनाया गया है, और इसमें लगती है पीछे की तरफ दो AA की बैटरी, छोटे वाले पेंसिल सेल। तो पेंसिल सेल डाल के एक बार मैं आपको डेमो दिखाता हूँ इसका कि ये कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर यार इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर डालता हूँ, और ये पानी हमने डाल दिया इसमें काफ़ी ऊपर तक। आप ध्यान रहे कि जब आप इसमें पानी डालें तो ये जो लिड है ये मतलब ड्रेन पाइप की तरह जो काम कर रहा है ये नीचे की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, नीचे जाते ही पानी जो है बाहर निकल जाएगा। तो आप इसे ऊपर ही रखें, जब आप इससे खेल लेंगे तब आप ये पानी नीचे करके ड्रेन कर सकते हैं। तो इसके बाद यार इसमें कुछ कपड़े डालता हूँ मैं, ये छोटे छोटे कुछ डेमोस्ट्रेशन है, जस्ट हैंगर से हम निकालते हैं। ये दो कपड़े हम इसमें डालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यार कैसे मैंने इसको चलाया और काफ़ी मज़ा आया मुझे इसे चला के। उसके बाद अगर आपको ये पानी को ड्रेन करना है तो आप इस पाइप को सिंपली निकालिए और यहाँ से आप इसे नीचे की तरफ के ड्रेन आराम से कर सकते हैं। तो पानी जो है सारा का सारा ड्रेन हो जाएगा और जो आपके छोटे छोटे कपड़े हैं वो आराम से इसमें से धुल जाएंगे, और इसको वापस हम ऐसे लगा सकते हैं। तो इसको रख देते हैं साइड और बात कर लेते हैं एक बार दूसरे आइटम की। तो दोस्तों दूसरा आइटम जो यहाँ पर है वो है यार एक ये इलेक्ट्रिक प्रेस, और क्वालिटी इसकी सेम ही है, बहुत अच्छी है। चारों की क्वालिटी ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है। इसके भी नीचे लगती है दो AA की बैटरी, तो फटाफट लगाते हैं इसमें भी बैटरी और एक बार इसका भी फंक्शन को हम करके देखेंगे। तो ये हो गई हमारी प्रेस तैयार। तो लगता है ज़्यादा गर्म हो गई प्रेस, ये कपड़ा ही चिपक गया है इसमें, तो इसको कर देते हैं बंद, कपड़े को निकाल लेते हैं बाहर। तो बड़ा मज़ा है, ऐसे भी चला के मोटर चल रही है और थर्माकोल की बॉल्स अंदर उड़ रही है, कमाल का ये आइटम भी। तो इसको भी रख लेते हैं साइड और बात करते हैं अपने नेक्स्ट आइटम स्विंग मशीन के बारे में। तो दोस्तों अगला आइटम जो यहाँ पर निकल के आता है वो है ये स्विंग मशीन, और जो कि काफ़ी कमाल की है और इसका मटेरियल जो है काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो ज़्यादा कुछ तो इसमें यार बताने के लिए है नहीं, ऑलमोस्ट सभी आइटम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक बटन है, ऐसे प्रेस करने से मशीन चालू हो जाएगी, बट उसको चालू करने के लिए आपको लगाने होंगे पीछे दो पेंसिल सेल। तो मैं दो AA की बैटरी यहाँ पे फटाफट लगाता हूँ और इसको करता हूँ स्टार्ट। ये हमने लगा दिया है और डेमोस्ट्रेशन के लिए हम इसी कपड़े को ले लेते हैं एक बार, और अपनी मशीन को हम करते हैं स्टार्ट। तो यार काफ़ी कमाल की है, काफ़ी अच्छे से चल रही है और फील जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हो। दोस्तों अगला आइटम जो यहाँ पे निकल के आता है वो है ये छोटा सा वैक्यूम क्लीनर,
और इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो ये फ्रंट वाला और ये एक इसकी मशीन। इसके अंदर है मोटर और इसके पीछे भी लगती है 2 AA की बैटरी। तो फटाफट से इसमें भी डाल लेते हैं हम 2 सेल और अंदर थर्माकोल्स के कुछ बॉल है जो मोशंस करेंगी। और अच्छा इफेक्ट है यहाँ पे, ये टायर भी जो है ना इसके आप ऐसे चलाओगे तो थोड़े थोड़े ये रोटेट होते हैं, तो ये जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे चलने वाले टायर। तो जल्दी से करते हैं इसको प्रेस और देखते हैं वैक्यूम क्लीनर। आगे से तो कुछ करता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्लेन है, आपको सिर्फ दिखाना है ऐसे ही, तो मैं इसे थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टेस्ट कर लिए हैं अपने चारों के चारों आइटम, और जैसा कि इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है द मोस्ट वेलकम गिफ्ट्स फॉर आवर चिल्ड्रन लेट देम लर्न मोर हाउस वर्क। तो यार किड्स जो है ना वैसे ही अपने एडल्ट्स को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, और ऐसे में जो ये मिनीचर जो छोटे छोटे टॉयज़ अगर वो देख लेते हैं जो उनके घर में यूज़ हो रहे हैं तो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। और गर्ल्स तो ना डॉल हाउसेज वगैरह में भी काफ़ी ये चीज़ें इस्तेमाल करती है और उन्हें बड़ा मज़ा आता है ऐसे खेलने के लिए। तो दोस्तों यार अगर इन चारों आइटम्स की बात करूँ तो मुझे जो है ना ये वॉशिंग मशीन इनमें सबसे कूल लगी, सबसे बेस्ट लगी। और पानी जो इसमें आता है और कुछ डाल के भी देखा तो वो घूम रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा काफ़ी मज़ेदार लगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि यार आपको इन चारों में से कौन सा आइटम पसंद है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पहले यार लाइक तो ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।